हेलो गाइस, मैं हूं देवर्ष गढ़वी और आप देख रहे हैं देवर्ष गढ़वी वीडियो ट्रेलर। ओके, तो आपको अगर मेरी चैनल कल से शुरू हो रही है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना मत भूलिएगा। देवर जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये चैनल पे क्या क्या कंटेंट देंगे? जो मर्जी चाहे वो, मतलब जो आपको मुझे कमेंट में लिखना है कि आप तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, आपने तो, ये सोचा कैसे कि आप अब ब्लॉग करेंगे तो आप इसमें क्या क्या डालेंगे, आपने कुछ सोचा होगा ना? हाँ, वो तो सोचा है। वो मुझे तो ये पहले ये आइडिया मिला हितेश के एस से, तो हितेश के एस को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हितेश के एस, थैंक यू वेरी मच, सो मच। आप भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी बोल दीजिए, उनको बोलिएगा कि सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, मैंने और फिर मैं भी उस उनकी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। तो आपका एज कितना है? मेरा एज तो 9 साल। और आप कहाँ से हैं? सूरत से। अभी यहाँ पे मैं आदिपुर में वैकेशन पे आया हूँ। अच्छा, अपने नानी जी के घर पे? हाँ। अच्छा, आप इतना लेट कैसे हो गए? आप तो इतने टाइम से केएस को फॉलो करते हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि आप अपना चैनल चालू करें? आपने क्या बोला, फिर से बोले, कुछ समझ नहीं आया मुझे। आपने ये चैनल इतना लेट क्यों शुरू किया? वो क्या है, मैं है ना, वो बहुत मेरे पापा को कहता था मुझे सिंगिंग की हम क्लास ज्वाइन कर या फिर कराटे की, और मुझे एक चैनल बनाने दो यूट्यूब में, और वो कहते थे नहीं अभी बहुत छोटा है वो, अभी बहुत छोटा है तू। तो तुमको लगता है तुम बड़े हो गए हो? हाँ। अच्छा, तो इतनी उम्र में तो वीडियो करना ही चाहिए। तो फिर आप इसमें गाना गाएंगे, फिर आप मिमिक भी करेंगे, तो किन किन के आप आवाज निकालना जानते हैं? ऑगी एंड कॉकरोच की, लेकिन कॉकरोच की नहीं, सिर्फ वो ऑगी, जेक और बॉब, वो आपको मैं अपनी पहली वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो अभी के लिए नहीं, अभी तो आपको मुझे क्वेश्चन बोलने हैं। ओके, आप मतलब जो वीडियोस हैं उसके पहली वीडियो में आप सबकी मिमिक्री करेंगे? अच्छा, और आप टीवी पे कौन से हीरो को पसंद करते हो, आप किन को मिलना चाहते हो, आप ये चैनल बना के आगे जाके आप क्या करना चाहते हो? मैं तो पहली बात, मुझे टीवी पे मूवी पे सबसे ज्यादा तो मुझे टाइगर श्रॉफ ही पसंद है और कुछ नहीं, और मुझे मिलना है तो टाइगर श्रॉफ से और हितेश के एस से। ओके, वरुण धवन जी से भी आप? हाँ, वो भी अच्छे लगते हैं। कुमार से भी, इन तीनों से ही बस। ओके, तो आप चाहते हैं उनको नहीं बोलेंगे कि आपके चैनल को वो लोग भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें? हाँ, तो टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन और अक्षय कुमार, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कीजिएगा। कैसे सीखा आपने ये एडिटिंग, वीडियो बनाना? वो तो मेरी बहन ने सिखाया है, तो मैं मेरी बहन को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मतलब मैंने एक बार कहा कि वो जो यहाँ से साइड में जादू से वो ऐसे करके ऐसे हो जाता है, वो कहाँ कैसे होता है, तो मेरी बहन ने कहा ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है। तो लॉकडाउन में सब आपने यही किया? हाँ, सारी प्रैक्टिस हो गई। टिकटॉक भी बनाया, हितेश के एस को भी देखा। वैसे मैंने लॉकडाउन में ही हितेश के एस को देखा। और ये टिकटॉक बंद हो गया तो फिर आपको आगे, फिर आपने क्या सोचा कि अब टिकटॉक बंद हो गया है तो अब आगे कैसे करेंगे? अब टिकटॉक बंद हो गया तो मैंने सोचा फिर पापा से पूछ ले, अब वीडियो एक बनाए यूट्यूब में, चैनल एक बनाए, तो फिर पापा ने ना बोले इसलिए। अब तुम नानी के घर पे आए हो, ये चैनल यहाँ बना रहे हो, पापा को पता चलेगा तो पापा क्या कहेंगे? पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे नहीं, वो तो मुझे लाज से करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरा अकाउंट खुले, मेरा एक फेसबुक खुले, एक इंस्टाग्राम खुले और मेरे उसमें बहुत सारे लाइक और मेरा ये चैनल भी बने, तो मैंने अभी से यहाँ पे शुरू कर दिया। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरी मम्मी को, दीदी को और पापा को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने
उन्हीं से मैंने सीखा है। तो अब आपको कोई सवाल है? हाँ, मुझे ये जानना है कि ये कोरोना आपको क्या देके गया? पहले आप क्या करते थे कोरोना से पहले और कोरोना के बाद आप क्या करते हैं? कोरोना के पहले तो जब लॉकडाउन का पहला दिन था तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, मुझे तो बचपन से सपना था कि मैं भी डॉक्टर के जैसे एक बार मास्क पहनूंगा लेके। और ये कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तो पहले दिन में मैंने मास्क पहना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लेकिन लॉकडाउन बढ़ता गया और जैसे जैसे मास्क भी मैंने पहनता गया, इसलिए मेरे कान दर्द होते गए। और अब मुझे मतलब मास्क से वो क्या कहते हैं, दुश्मनी, तो भी मैं पहनता हूँ। लॉकडाउन में क्या किया? मैंने लॉकडाउन में तो खेला कूदा, मतलब लॉकडाउन था तभी सब बच्चे नीचे खेलने जाते थे। लेकिन जब मेरी एक फ्लैट में रहता हूँ, एक सोसाइटी में, तो जब उस सोसाइटी में वो क्या कहते हैं कोरोना हुआ, तब से फिर थोड़े थोड़े बच्चे खेलने आते थे, फिर नहीं आने, फिर ज्यादा केस बढ़ते गए और बच्चे भी नीचे आना बंद हो गए। तो आप भी चाहते हैं जल्दी स्कूल चालू हो जाए, जल्दी कोरोना चला जाए? लेकिन स्कूल के तो मजे हैं, वो तो नहीं खुले, ऐसा ही इच्छा है। लेकिन वो क्या है, कोरोना जाए ऐसी इच्छा है, तो हम सोसाइटी में सारे मिलके खेल सके। फिर आप ब्लॉग कैसे बनाओगे अगर खेलने चले जाओगे तो? लेकिन वो क्या है, मैं लाइव, जब मेरा लाइव होगा तब मैं 1 घंटे करूंगा, 1 वीक में मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा नाम है देवर्ष और मेरी सरनेम है गढ़वी और मैं हूँ स्टैंडर्ड 3rd में। तो मेरी स्कूल का नाम था शारदा विद्या मंदिर, मैंने आपको कह दिया। और वो क्या कहते हैं, वो तो मैंने क्या कहना था, वो हाँ, तो मैं जब खेलने, मेरे कोरोना के बहुत सारे सवाल है कि कोरोना कब जाएगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब। और हाँ, आप मुझे इस चैनल का नाम बताइएगा जो बहुत फनी हो। फनी राइट, फनी 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 फनी, ओके, होने क्या मतलब है ना, ओके। तो वो क्या है, मैं गुजराती हूँ ना, इसलिए मैंने होने बोला।